मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स स्टूडेंट्स, हिंदी में जैसे योजक होते हैं ना, जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वो क्या होते हैं? कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर वर्ड्स। कंजंक्शन कुछ शब्द होते हैं यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, जिनका इस्तेमाल किया जाता है दो शब्दों को जोड़ने में, फ्रेजेस या फिर दो फ्रेज को जोड़ते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेजेस क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, बट फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ नॉट कंप्लीट मीनिंग। फ्रेजेस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका वाक्य जो है, जिसका जो अर्थ है वो कंप्लीट नहीं होता, जैसे इन द मॉर्निंग, इस तरह से, मतलब कि अधूरा सेंटेंस होता है, तो वो होता है फ्रेजेस। तो ये जो कंजंक्शन है, ये या तो ये दो शब्दों को जोड़ते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं, या फिर फ्रेज को जोड़ते हैं, या फिर सेंटेंस को भी जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक एक करके कुछ कंजंक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है एंड। एंड इज यूज्ड टू जॉइन टू सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस। जो एंड है वो उसका यूज़ किया जाता है दो एक जैसे शब्दों या एक जैसे फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, दैट आर रिलेटेड इन देयर मीनिंग, जो मीनिंग में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब कहने का है कि दोनों वर्ड्स या दोनों फ्रेज का मीनिंग जो है अपोजिट नहीं होता, दोनों का मीनिंग की सेंस एक ही निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी, मैं थका हुआ और नींद महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थका होना और स्लीपी फील करना, तो दोनों क्या है? रिलेटेड मीनिंग है, दोनों एक दूसरे से, दोनों का रिलेशन सही हो रहा है कि थकावट की वजह से ही नींद आती है। तो ऐसे सिमिलर वर्ड्स में हम क्या लगाएंगे? एंड। नेक्स्ट है बिकॉज। यूज टू गिव रीजन फॉर एन एक्शन, किसी भी कार्य के लिए रीजन देता है, ये कारण बताता है। जैसे कि ही कोट अ कोल्ड, उसको ठंड लग गई, बिकॉज ही गोट वेट इन द रेन, क्योंकि वह बारिश में भीग गया था, तो इसलिए उसको ठंड लगी क्योंकि बारिश में भीग गया था। तो इससे क्या हो रहा है? उसको ठंड लगी, क्यों लगी? क्योंकि वो बारिश में भीग गया था, तो रीजन है ना इसके लिए। तो जब रीजन की बात होती है तो हम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? बिकॉज। नेक्स्ट है और। यूज टू आस्क फॉर अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन, दो ऑप्शन के बीच में चॉइस दर्शाने के लिए और लगाते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव डिनर और सम स्नैक्स, आप डिनर लेना चाहेंगे या फिर कुछ स्नैक लेना चाहेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डिनर और स्नैक्स भी, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? और। तो जब भी चॉइस की बात आती है दो ऑप्शन के बीच में, तो हम क्या लगा देते हैं? और। नेक्स्ट है बट। यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस दैट आर डिफरेंट, जो बट है उसका इस्तेमाल किया जाता है दो सेंटेंस को जोड़ने में जो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल है आई ट्राइड कॉलिंग यू, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की, बट द लाइन वॉज बिजी, लेकिन लाइन जो है बिजी थी। तो दोनों सेंटेंस क्या है? डिफरेंट है, कि एक तरफ से क्या हो रहा है? कॉल लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? जो नंबर है वो बीजी आ रहा है। तो यहाँ पे अपोजिट चीज़ें हैं ना, तो अपोजिट होने की वजह से हम क्या लगाते हैं? बट, परंतु लगाएंगे। हम यहाँ पे और नहीं लगाएंगे कि मैं कोशिश कर रहा था और आपका नंबर बीजी आ रहा था, नहीं, मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपका नंबर बीजी था, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बट। नेक्स्ट है वेन। वेन यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस, वेन का यूज किया जाता है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, वेन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि सी वॉज वेरी हैप्पी वेन सी वॉन द फर्स्ट प्राइज,
वह बहुत खुश थी जब उसने फर्स्ट प्राइज जीता। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस क्या हो रहे हैं, रिलेटेड है एक दूसरे से, कि वो हैप्पी, सी वॉज वेरी हैप्पी वेन सी वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो उसके खुश होने की वजह क्या है, फर्स्ट प्राइज जीतना। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ऐसे में हम क्या लगाएंगे, वेन। नेक्स्ट, दैट यूज टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ सेंटेंस। सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम दैट लगा देते हैं। आई एम होपिंग दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। मुझे आशा है कि मुझे उम्मीद है कि कल बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है कि आई एम होपिंग, मुझे उम्मीद है कि, क्या उम्मीद है, तो ये एडिशनल है कि भाई उसने जो अपनी उम्मीद बताई है तो वो क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने उम्मीद के बारे में। क्या उम्मीद है कि कल बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पे जब भी इस तरह की बात होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम दैट लगा सकते हैं। जैसे और एग्जांपल दे सकते हैं, ही सेज दैट ही वॉज अ गुड बॉय। तो इस तरह से जो भी हम दैट लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो वहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अनटिल यूज टू शो दैट एन एक्शन कंटिन्यूड अप टू अ गिवन टाइम। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ये दिखाने के लिए कि कोई भी एक्शन जो है वो गिवन टाइम, जो जो जितना टाइम दिया गया है तब तक कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि द स्टोर वुड नॉट ओपन अनटिल ही कम्स बैक। स्टोर ओपन नहीं होगा जब तक वह वापस नहीं आता। अनटिल ही कम्स बैक, जब तक वह वापस नहीं आता तब तक स्टोर ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई होती है कि दैट एन एक्शन कंटिन्यूड अप टू अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तक जो है एक्शन वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि ये जो दरवाज़ा है ये तब तक खुल नहीं सकता जब तक वो नहीं आता। तो एक ड्यूरेशन है, एक गिवन टाइम दिया गया है तब तक। तो ऐसे में हम क्या लगाते हैं, अनटिल। नेक्स्ट है इफ यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस। जॉइन का भी दो सेंटेंस को जोड़ने में यूज किया जाता है। व्हेन वन सेंटेंस हैज अ कंडीशन फॉर द अदर, जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के लिए कोई ना कोई शर्त रखता हो, कंडीशन रखता हो। जैसे कि वी विल गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक के लिए जाएंगे इफ द वेदर इज सनी, अगर मौसम सनी रहा, धूप वाला दिन रहा तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन है कि हम पिकनिक के लिए जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे अगर मौसम जो है वेदर सनी रहेगा, अगर धूप निकलेगी तो जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन रख दी है, ऐसे में हम क्या लगाते हैं, इफ। दोनों सेंटेंस के बीच में इफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अनलेस यूज टू शो दैट समथिंग कैन ओनली हैपन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ये यूज किया जाता है ये दिखाने के लिए कि कोई भी समथिंग कैन ओनली हैपन, कि कोई भी घटना घट सकती है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एक विशेष स्थिति में। आई स्लीप विद विंडोज ओपन अनलेस इट्स वेरी कोल्ड। मैं खिड़की खुली खोलकर सोता हूँ जब तक ठंड नहीं हो जाती, यानी जब तक मौसम ठंडा नहीं हो जाता तब तक तो मैं खिड़की जो है ओपन करके ही सोता हूँ। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है इसमें, कि जब तक मौसम ठंडा नहीं हो जाता तब तक मैं कैसे सोता हूँ, विंडो को ओपन करके। तो ये जो सेंटेंस अनलेस का यूज़ कब किया जाता है, ये दिखाने के लिए
कि समथिंग कैन ओनली हैपन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही कोई चीज जो है, कोई घटना हैपन होती है। जैसे कि इसमें सेंटेंस में हमने यहाँ पे अनलेस का यूज किया है। नेक्स्ट है ऑल्दो, यूज टू शो दैट कंट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज, ये दो आइडियाज के बीच में कंट्रास्ट, विरोधाभास दिखाने के लिए, अपोजिट सिचुएशन को दिखाने के लिए। जैसे कि ऑल्दो इट रेन्ड द वेदर रिमेन्ड ह्यूमिड, यद्यपि बारिश हुई है लेकिन मौसम जो है वो कैसा है, ह्यूमिड है, मतलब कि नमी वाला है। ऑल्दो इट रेन्ड, यद्यपि बारिश हुई है, द वेदर रिमेन्ड ह्यूमिड, जो मौसम है वो फिर भी ह्यूमिडिटी क्या होता है, गर्मी वाला, जब एयर में नमी होती है तो नमी वाला मौसम है। तो यहाँ पे कंट्रास्ट है दो सिचुएशन में, मतलब कहने का मतलब ये है कि बारिश होने के बाद वैसे मौसम साफ होना चाहिए लेकिन फिर भी क्या है, वेदर में ह्यूमिडिटी है। तो यहाँ पे कंट्रास्ट है दोनों आइडियाज में, तो तब हम क्या लगाते हैं, ऑल्दो। सो दैट यूज्ड टू सो कॉज एंड रीजन, कारण और क्यों, मतलब यूज्ड टू सो कॉज एंड रीजन, ये कारण को दर्शाने के लिए सो दैट लगाते हैं। We left early so that we could reach the station on time. हम जल्दी चले ताकि हम स्टेशन पर टाइम पे पहुंच सकें। तो यहाँ पे रीजन दर्शाने के लिए सो दैट लगाएंगे कि हमें जल्दी चलना चाहिए, क्यों चलना चाहिए, ताकि हम स्टेशन पर टाइम पे पहुंच सकें। तो यहाँ पे सो दैट का इस्तेमाल रीजन को दर्शाने के लिए किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द कंजंक्शंस। थैंक यू।